और डिबेट में आगे बढ़ते हैं। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ अब सुशील पंडित भी जुड़ गए हैं, को फाउंडर हैं रूट्स इन कश्मीर के, कश्मीरी पंडितों के लिए काम करते हैं, रूट्स इन कश्मीर के को फाउंडर भी, एक बार फिर से बताता हूं। और बाबर कादरी को हमने पैनल से आउट कर दिया है क्योंकि बाबर कादरी सेना के खिलाफ बोल रहा था, उसने अपनी बातों पर माफी मांगने से इनकार कर दिया और उसका खंडन करने से भी इनकार कर दिया। बाकी के सारे मेहमान हमारे साथ हैं। सुशील पंडित, थोड़ी देर पहले ये बात चल रही थी कि कश्मीरियों को निशाना बनाकर अब आतंकी क्या साबित करना चाहते हैं, तो कश्मीरियों को अब ये समझ जाना चाहिए, वहां के जो लोग हैं उनको समझ जाना चाहिए कि ये जो लड़ाई है जिसमें वो, जिसमें से कुछ लोग उनका भी साथ दे रहे हैं, वो अब पानी की तरह साफ हो चुका है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत, पैसा और पाकिस्तान के इशारों पर नाचना है। विवेक जी, ये आतंकवाद कश्मीरियों को पिछले 3 दशकों से निशाना बना रहा है। कश्मीरी मैं भी हूं, कश्मीरी मेरा पूरा समुदाय भी है। हमने क्या खता की थी? लाखों की तादाद में हमको अपने घरों से उखाड़कर फेंक दिया गया। हमने तो किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा था, हमने तो किसी को गाली तक नहीं दी थी। आपने कश्मीर में 28 साल पहले एक पूरा का पूरा जाति संहार होते हुए देखा, एक नस्ल कुशी होते हुए देखी। इसी तरह जब हम लोग वहां से हट गए तो इन्होंने अपने ही लोगों को मारना शुरू किया, तब भी इन्होंने सैकड़ों और हजारों की तादाद में, आखिर लेफ्टिनेंट उमर फयाज कौन था? कश्मीरी ही तो था। आखिर मोहम्मद अयूब पंडित वहां का डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ही तो था। आखिर औरंगजेब कश्मीरी ही तो था। तो इन्होंने कश्मीरियों को कब कश्मीरियों की नजर से देखा है? जिहाद सिर्फ एक फर्क करना जानता है, जो उनके साथ है वो उनके साथ है, जो उनके साथ नहीं है वो वाजिबे कत्ल है। ये जिहाद की परिभाषा है और इसलिए कश्मीर में चलता हुआ जिहाद ठीक है आज समीर शौकीन अपने ही बच्चों को, अपने ही भाइयों को, अपने ही बेटों को लील रहा है। समीर शौकीन, और ये जो प्रवक्ता बनते हैं जिहाद के, ये फर्क नहीं करना जानते हैं जिहादी जल्लाद समीर शौकीन देश के रक्षकों में, इसलिए इनकी बात ऐसी निकलती है। समीर शौकीन, जावेद कश्मीरी था, राइफलमैन औरंगजेब कश्मीरी था, सुशील पंडित फिरोज अहमद डार कश्मीरी था, सुशील पंडित कश्मीरी हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे पंडितों के जो नस्ल को वहां पर, उनको वहां से हटा दिया गया, उखाड़ फेंका गया। देखिए, कश्मीर को आप लोगों ने किलिंग फील्ड बना दिया है। पहले सुशील पंडित को मैं कश्मीरी मानता ही नहीं हूं, ही इज नॉट ए कश्मीरी, ही हैज लेफ्ट कश्मीर वे बैक। आपकी सर्टिफिकेट दिल्ली में बैठ क्या कश्मीर की बात करेगा? यहाँ पे जो मर रहे हैं आप खुद कश्मीरी नहीं हैं, आप बदनुमादार मर रहे ना, हम कश्मीरी हैं, आप काले कश्मीरी हैं और कश्मीर में बैठे हुए कश्मीर में रह रहे हैं। हम दिल्ली में नहीं है, हम श्रीनगर में बात कर रहे हैं। सुशील पंडित के नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट देना बंद करें। आप खुद को अगर ये कश्मीरी है तो लाल चुप में आके बात करें। कश्मीरी किसी सूरत शक्ल से नहीं है और आप इंसानियत के नाम पर बदनाम। आप कश्मीरी है तो दिल्ली में बैठ के बात मत करो, श्रीनगर आ जाओ और श्रीनगर में बात करो। आप तो कश्मीरी है ही नहीं, यू आर नॉट ए कश्मीरी, यू आर ओन कम्युनिटी। जवाब दीजिए, हम कश्मीरी में ही, हम कश्मीरी आप थे, तो थे ही नहीं कभी, आप हम पहले ही श्रीनगर में ही थे, आप पहले ही बाकलन में था, मैं कश्मीरी क्यों निकलना पड़ा हमको? प्ले दिस कश्मीरी कार्ड, डोंट सवाल पूछिए खुद से, यू आर नॉट ए कश्मीरी, क्यों निकलना पड़ा हमको? प्ले दिस कश्मीरी कार्ड, यू आर नॉट ए कश्मीरी। आप लोगों ने कत्लो गारत का वहां पर तिजारत कर रहे हैं कश्मीर में, कभी इस वजह से लोग मर रहे हैं। समीर शौकीन, समीर शौकीन आप कश्मीरी हैं, आपने कहा है मैं कश्मीरी हूँ और आप कश्मीरी, आप हिंदुस्तानी हैं। अगर आप कश्मीरी होते तो श्रीनगर में होते, दिल्ली में। समीर शौकीन, आप हिंदुस्तानी हैं, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वी डोंट नीड सर्टिफिकेट। आप दुनिया को कश्मीरी होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हो और आप कहते हैं आपको नहीं चाहिए? I don't need. ये किस तरह की बात कह रहे हैं नागर साहब? जरूरी नहीं समझता हूँ कि मैं, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जैसे आप डिबेट के शुरू में जनरल साहब ने कहा, आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं है? हाँ या नहीं, जवाब दीजिए। कश्मीर के लिए इन बातों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आई डोंट नीड सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिज्म।
आपके संपादक को गोलियों से भून दिया गया था, आप इसे सिक्योरिटी लैप्स कहते हैं। कौन सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? कश्मीरी है ही नहीं, सुशील पंडित रावल कश्मीरी, रावलपिंडी से सर्टिफिकेट मंगवाते, सही कह रहे हैं आप। बाबर कादरी को सर्टिफिकेट दे रहे थे, अभी बाबर कादरी को सर्टिफिकेट दे रहे थे, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला जी, सर्टिफिकेट हम देंगे, कश्मीर हमारा है। जो भारत के तिरंगे के साथ खड़ा होगा, जो भारतीय सेना के साथ खड़ा होगा, सिर्फ वो कश्मीरी है। जो भारतीय है वो, जो पहले भारतीय है वो कश्मीरी है, जो भारतीय नहीं है वो कश्मीरी भी नहीं है, और उसको भारत की जमीन पर रहने का हक भी नहीं है। होता तो श्रीनगर में होता, अभी घंटाघर के पास होता। पासपोर्ट कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में क्या लिखा होता? अशोक स्तंभ बना होता, नहीं बना होता? मैं वही बोला, वी डोंट नीड सर्टिफिकेट्स ऑफ नेशनलिज्म। मैं क्या हूं, क्या नहीं, आई नो इट बेटर देन यू। वी डोंट नीड सर्टिफिकेट। हम श्रीनगर में पता आप क्या है क्या नहीं है। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, रावलपिंडी के दलालों को सर्टिफिकेट बांटने का कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। सुशील पंडित कश्मीरी है कि नहीं है, ये रावलपिंडी के 2% के दलाल जो है, ये सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार कश्मीरी है ही नहीं। इसके कहने से क्या होगा? रावलपिंडी का ये दलाल बैठा हुआ है यहाँ, एक दलाल भागा, सुशील पंडित को दूसरा दलाल, तू कश्मीरी है, तू कश्मीरी है, रावलपिंडी के दलाल, सुशील पंडित अगर कश्मीरी नहीं है तो रावलपिंडी के जूते चाटने वाला किसी पंडित को लाओ, हरजी पत्रकार कश्मीरी पंडित को डिबेट में लाओ, सुशील पंडित को मत लाओ। रावलपिंडी के चांदी के कश्मीरी पंडित को लाओ, सुशील पंडित कश्मीरी पंडित करने वाले दलाल जो है वो कश्मीरी पंडितों का सर्टिफिकेट रावलपिंडी के दलालों से नहीं लिया जाएगा। आप रावलपिंडी के दलाल हैं और बहुत ही विकृत बात कर रहे हैं आप। सुशील पंडित को तो खुद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी डिसोन कर रही है। सर ये सर्टिफिकेट आप मत बांटिए। विवेक जी, समीर शौकीन, एक सेकंड रुक जाइए। रिपोर्टर मैंने कश्मीरी पंडित के प्रोटेस्ट को कवर किया है, देश की ही नॉट रिप्रेजेंटिंग। विवेक जी, एक बहुत अहम बात मैं कहना चाहता हूँ। कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से देशद्रोही कश्मीर में उछल उछल के राष्ट्र के सम्मान को चुनौती देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं भय नहीं है। इंडियन पिनल कोड 121 और 120 बी को और सशक्त करके राष्ट्र दो परिभाषित करके, कृपा करके मैं कहना चाहता हूं कि स्पेशल कोर्ट का दशक से कृपा एक, तो अरे एक सेकंड, अरे विवेक जी सुनो ना, मैं अभी खत्म कर क्या, एक स्पेशल कोर्ट की रचना कीजिए जो ऐसे ऐसे राजद्रोहियों को एक महीने के अंदर न्याय सुनाया जाए और इनको देश से बाहर भेजा जाए, निकाला जाए, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, इनका पूरा बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी सीज किया जाए, नेशनल प्रॉपर्टी घोषित किया जाए, फिर मैं देखना चाहता हूं। कौन नहीं कर रहा, आप मुझे बताएंगे कौन नहीं कर रहा है? नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हमें शक्ति सेना को देनी होगी, सेना के कोर्ट में ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फौजी अदालतों का निर्माण होना चाहिए और ऐसे गद्दारों का इलाज महीने भर में होना चाहिए। करेक्ट, तब तक ये सुधार में नहीं आएंगे। देखिए, बहुत हमने बातचीत किया, इंदिरा जी के सामने शिमला में भुट्टो आया था, घुटनों के बल बैठ के अपने 96,000 फौजी लेके गया था, वादा करके गया था कि बातचीत से मसले का हल करेंगे, समय दे के गया था, लेकिन वो जाके बदल गया। आज वही पाकिस्तान है, आज हमारे पीठ में छुरा घोपता है, जिसको सामने से लड़ने की शक्ति नहीं है, सामने से मुकाबला नहीं कर सकता हमारी महान सेनाओं का, हमारी सशक्त सेनाओं का, तो पीछे से सैबोटाज करता है। समझौते की बात कर रहे हैं, हमें 21 मई को डीजीएमओ की जब बातचीत हुई थी, सर मुझे पूरा सीज फायर का जो सीज फायर की बात हुई, उसके अगले दिन बीएसएफ के दो जवानों की हत्या हो गई थी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, पाकिस्तान की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कश्मीर की समस्या का जड़ आईएसआई है, पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तान की जिहादी तंजीमें हैं। सरकार से हमारा अनुरोध निवेदन है, कठोर कार्रवाई करिए, पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस करिए, पाकिस्तान के साथ व्यापार टोटली बंद करिए, बातचीत बंद करिए, पाकिस्तान को 80% से अधिक सिंधु का पानी मत दीजिए, उनका पानी रोकिए, देखिए पाकिस्तान कैसे लाइन पे आता है। सठे साठ्यम समाचार दुष्ट के साथ जब तक दुष्टता का बर्ताव नहीं होगा, नहीं हम तो पाकिस्तान तब तक लाइन पे नहीं आएगा, कश्मीर में शांति नहीं, तो सहानुभूति का परिचय देते रहेंगे। ठीक है सुशील पंडित जी, सहानुभूति का परिचय देते देते काफी वक्त हो गया, अब पानी सिर से ऊपर है जी। मुझे नहीं लगता कि जिनको नीति बनानी है और जिनको काम करना है उनको इस बात का आभास है
के पानी सर के ऊपर से चला गया है। ये आज भी हुर्रियत को सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके सुरक्षा देते हैं, आज भी उनके खर्चे उठाते हैं, उनके नाज नखरे उठाते हैं, आज भी उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने एक वार्ताकार छोड़ रखा है जिससे काला कुत्ता बात करने नहीं आया पिछले 8 महीने में। आज भी ये इस आशा में इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये अलगाववादियों की देशभक्ति जागेगी और वो इस देश के साथ मिलकर काम करेंगे। आज भी हमने सबक नहीं सीखा है इन लोगों के, आतंकवादियों के जो गुर्गे आपके चैनल्स पर आकर के बकवास करते हैं, इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है हमारी सेना। सर, इन लोगों को तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन सरकारों को कम से कम समझना चाहिए था। अभी तक में 3 दशक गुजर गए, 30 साल का वक्त छोटा मोटा वक्त नहीं होता है। प्रेम शुक्ला, क्या आप इन सवालों का जवाब है आपके पास? इस सरकार को जनादेश मिला था नीतियों को बदलने का, इस सरकार को जनादेश मिला था वहां पर आमूलचूल परिवर्तन का। ये सरकार हाथ पे हाथ धर के 4 साल निकाल दिया इन्होंने, कश्मीर को पट्टे पे रख कर दे दिया महबूबा मुफ्ती को, जो कि आतंकवादियों की प्रतिनिधि थी वहां सरकार में। प्रेम शुक्ला, आप किस बदल की उम्मीद, गंभीर बात कर रहे हैं पंडित जी, पंडित जी की बातों को बहुत गंभीरता से लेने का जरूरत है। अगर मिला है तो नीतियां क्यों नहीं बदलते? विवेक जी, संकट है इस देश का, सबसे बड़ा संकट है कि हम विमर्श में रोज बैठते हैं और विमर्श में हमको पता है कि बाबर कादरी क्या बोलेगा, हमको पता है कि शौकीन क्या बोलेंगे। बावजूद इसके हम जो है, हम पर तो कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है, कोई हमने जो है किसी तरह के समझौते नहीं रखे हैं, लेकिन हमारा जो लोकतांत्रिक विमर्श की हमारी जो प्रक्रिया है, हमारा जो संस्कार है, उसमें संकट है कि हम बाबर कादरी को बुलाते हैं और गालियां सुनते हैं हमारे मेजर जनरल के खिलाफ, वो बकवास बात करके जाता, फिर अगली बार भी बुलाएंगे। नहीं, भगा दिया सर, मैंने डिबेट से आउट कर दिया। कोई चैनल इस देश का, मैंने डिबेट से आउट कर दिया, मैंने बाबर कादरी को डिबेट से आउट कर दिया। नहीं रहता है कि बाबर कादरी को जैसे हमने डिबेट से आउट किया, वैसे दहशतगर्दों को आप मुल्क से आउट कीजिए, उठाकर खड़ा किया जाए, पाकिस्तान को रोकिए और दहशतगर्दों को ठोकिए। दहशतगर्दों को एक लाइन में बात बताता हूँ, दहशतगर्दों को हमने शुक्ला जी आज भी शुक्ला जी नहीं नहीं शुक्ला जी एक लाइन में बात बताता हूँ, कार्रवाई सरकार खड़ी कर पाकिस्तान को रोकिए, मतलब पाकिस्तान पर मक्के लगाइए। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नेता वही भाषा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलना, कांग्रेस से आपको बहुत अधिक प्रेम है। पाकिस्तान का नाम भी ले लो, कभी पाकिस्तान का नाम भी लीजिए ना। अरे पाकिस्तान जिम्मेवार है कश्मीर में अशांति के लिए, पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे आप राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण चरित्र यही है, हर चीज के लिए कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद, गुलाम नबी आजाद ने देश के लिए काम किया है। गुलाम नबी आजाद ने, गुलाम नबी आजाद के मुख्यमंत्री काल में देखिए कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ। आप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या नहीं किया? आप गुलाम नबी आजाद को कोस लीजिए, आपको कोसने से शांति मिल जाती है। अरे राष्ट्र के लिए सोचिए शुक्ला जी, राष्ट्र बड़ा है, पाकिस्तान दुश्मन है। कश्मीर में अशांति के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। बहुत छोटा और चिरकुट आदमी है वो, वहाँ कहता है कि सिविलियंस जो है वो मारे जा रहे हैं सेना से अधिक। आप बेशर्मी, शुक्ला जी आप इग्नोर करिए उसको, आगे बढ़िए, इलाज करिए कश्मीर में जो आतंकी है उनका इलाज करिए, पाकिस्तान का इलाज करिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल करिए जो लगातार भारत से व्यापार कर रहा है, उन कंपनियों को आइडेंटिफाई करिए जो पाकिस्तान के साथ व्यापार करती है, उनके ऊपर सैंक्शन लगाइए, उनको रोकिए, पाकिस्तान के आर्थिक रास्ते बंद करिए। बुनियादी सवाल शुक्ला जी, बुनियादी सवाल यह है कि विल पावर की कमी कहां आ रही है? तो परिवर्तन तभी होता है जब फैसले किए जाते हैं, और फैसला हो नहीं पा रहा कि कश्मीर का इलाज आखिरकार कैसे होगा। यासिर जिलानी, फैसला नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे मुल्क में यही है कि हम तय नहीं कर पाते कि हमें कश्मीर के साथ करना क्या है। क्या वहां अमन और चैन होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, या फिर ये जंगें ऐसी ही चलती रहे और हमारे जो जवान है वैसे ही शहीद होते रहे? देखिए, अभी आपके साथ एक ऐसा मुजाहरा हुआ है जिसने किस तरह की बात करी है। ये वही लोग हैं जिनको अगर सरकार ने सख्ती से नहीं निपटा तो कश्मीर का मामला कभी नहीं सुलझेगा। आपको मैं क्लियर बता दूं, सरकारों के को चाहिए कि इमोशनल ना हो, जब डिसीजन ले तो सख्ती के साथ डिसीजन ले, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो हमारे नौजवान जवान जो हैं वो शहीद होंगे। ठीक है, यासिर जिलानी,
पाकिस्तान का स्क्रू टाइट पहले करना पड़ेगा, आर्थिक नाकेबंदी पाकिस्तान की करनी होगी, भारतीय पार्लियामेंट को पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट डिक्लेयर करने की शुरुआत करनी होगी। ठीक है सिन्हा जी, आतंकवाद की कीमत पाकिस्तान को ऐसा समझाना होगा कि उसकी रूह कांपे। समीर शौकीन क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर आपको कश्मीरी की बात सुननी है ना तो ये नेशनलिज्म की सट हाँ मैं बताता हूं, अगर आपको कश्मीरियों की बात सुननी है ना तो पहले सुनने से पहले ये नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट देना बंद करें। अरे क्या आप बात करता है, सर्टिफिकेट बांटने के लिए कोई नहीं बैठा है, आप भी नहीं बैठे हैं, मैं पहले बता दूं। वो आप करो, माइक निकालो, आपसे पूछा गया है, भगाओ यहां से, मेरा टेप जो फंस जाता है, कैसे निपटना है वो आप करो। तेरा शौकीन तेरा टेप फंस जाता है, पहले आपको कश्मीरी कश्मीर से या तो डरे हुए या उनकी दुकानदारी चल रही है। चाहिए पंडित बिहारी जी के चैनल में हो सुशील पंडित जी, और इस तरह की बातें कश्मीर में होकर झगड़े बात करता है। तुम्हारे चीफ एडिटर साहब ने बलिदान दे दिया और तुम आतंकवादियों को। देखिए सुशील पंडित जी, साफ साफ बात है विवेक जी, एक बात साफ है, इस सरकार को देश ने जनादेश दिया 2014 में कश्मीर में नीतियों का आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए। आज भी सरकार के पास एक वर्ष बचा है, इस एक वर्ष में वो उस जनादेश का पालन करे। ठीक है शुक्ला जी, मालूम है क्या करना है। शुक्ला जी में बैठ के इस कायर को बोलने मत दो, इसकी आवाज बंद करिए। प्रेम शुक्ला जी बाहर के लाल चौक में आके करूंगा। प्रेम शुक्ला जी चिंता मत करो, वहीं आके करूंगा। बात करें लाल चौक में, प्रेम शुक्ला जी लाल चौक किसी के बाप का अड्डा नहीं है। ठीक है वहीं आके, लाल चौक किसी के बाप का अड्डा नहीं है। लाल चौक पे आके, लाल चौक पे रोज तिरंगा फहरता है। प्रायोजकों का समूल नाश और आतंकवाद को जो लोग पाल रहे उनका समूलनाश, आतंकवाद के समर्थकों का समूलनाश, आतंकवाद का समूलनाश, आतंकवाद के समर्थकों का समूलनाश, आतंकवाद के प्रायोजकों का समूलनाश, ये आवश्यक है। धमकियां देना बंद करें और सरकार समूलनाश के बिना तंत्र में बात करना बंद करें। ठीक है चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कश्मीर में जो हालात है उसके कॉन्क्रीट इलाज का वक्त आ चुका है, और जो लोग देशभक्त हैं वो हैं, और जो नहीं है वो अपना अपना देखें।